नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मैं मेलबोर्न साइम में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं एक नर्सरी से ये प्लांट बाय करके लेके आया हूं। दोस्तों इसका नाम स्प्रेंगरी है, जिसको हिंदी में स्थावरी भी कहते हैं। इसके जो लीव्स है ये नीडल जैसे हैं, ये देखिए दोस्तों। इसी की एक वैरायटी और मैं लेके आया हूँ, उसका वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊँ। ये प्लांट 2 से 3 फुट तक ग्रो कर सकता है और वाइड में ये 2 से 4 फुट तक ग्रो कर सकता है। दोस्तों रिपोर्टिंग के टाइम ये ध्यान रखिए कि जो इसके जो लीव्स हैं, अगर कोई लीव्स ड्राई हो रहा है तो वो आपके हाथ में लग सकते हैं, या इसकी जो ड्राई जो ब्रांचें हैं जैसे कि ये हाथ में लग सकती है, तो केयरफुल इसको रिपोर्ट करें। आज मैं इसको रिपोर्ट करूँगा। दोस्तों मैं इसको हैंगिंग पॉट के अंदर ग्रो करूँगा आज। तो पहले हम इसकी थोड़ी केयर की बात करते हैं कि इसके हम कैसे केयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट एंड लोकेशन की, कि इसको कैसी जगह पे रखना चाहिए। ये इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में अच्छे से ग्रो करता है। इसको डायरेक्ट सनलाइट ना दे, डायरेक्ट सनलाइट से इसके जो लीव्स हैं वो बर्न हो सकते हैं। और ये जब आप इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो येलो कलर के होके लीव्स सारे गिरने लगेंगे। इसको हम बालकोनी में हैंगिंग पॉट में ग्रो कर सकते हैं, या फिर इसको किसी जो खिड़की के पास रखें जहाँ पे इसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिले। दोस्तों इसको ज़्यादा वाटरिंग की जरूरत नहीं होती। इसको रिपोर्ट करने के बाद 1 वीक तक इसको अच्छे से वाटरिंग करें, मीन्स सोइल को ड्राई ना होने दे ज़्यादा। और उसके बाद इसको आप जब 50% इसका सोइल ड्राई हो जाए उसके बाद ही वाटरिंग करें। सर्दियों में इसका सोइल जो है वो थोड़ा ड्राई ही रखें, और गर्मियों में इसको रेगुलरली वाटरिंग करते रहें। टाइम इसका जब येलो कलर का होने लगे, मीन्स इसके अंदर इसको वाटरिंग की ज़रूरत है, और जब ये ब्राउन कलर का होने लगे, मीन्स इसमें हमने ओवर वाटरिंग कर दी है। दोस्तों इसको फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर से करें। जब इसका ग्रोइंग सीजन स्टार्ट हो तब इसको वीकली फर्टिलाइज करें, बाकी टाइम में इसको मंथ में एक बार ही फर्टिलाइज करें। दोस्तों इस पे छोटे छोटे व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, जो बाद में फिर एक जो बेरी होती है उसमें चेंज हो जाते हैं, जो रेड कलर की होती है उसका साइज जो मटर के दाने जितना होता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिए कि उसको आप खाएं नहीं, बिकॉज उसके अंदर थोड़ी सी पॉइजन की मात्रा होती है जो कि हमारी पाचन क्रिया को खराब कर सकती है। इसको किड्स और अपने पेट से दूर रखें। इसके अंदर भी बल्ब होते हैं छोटे छोटे, तो उन बल्ब को हम अलग अलग स्प्रेड करके उनसे हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और ये जो बल्ब है इनके, ये गर्मियाँ शुरू होने से पहले हम ग्रो करें। दोस्तों इसमें नॉर्मल सोइल, पोटिंग सोइल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास गार्डन का सोइल है तो उसके अंदर देखिए, जैसे कि ये इसके अंदर हम गोबर का खाद मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिटी में रहते हैं तो आप कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं, कोकोपीट और बजरी और थोड़ा सा गोबर खाद, ये तीनों चीज़ ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। या फिर मार्केट में पोटिंग सोइल आता है, आप वो ले आएँ और उसके अंदर इसको ग्रो करें। ओके दोस्तों, तो अब हम इसको रिपोर्ट करते हैं। दोस्तों मैं इसके लिए ये पॉट यूज़ करूँगा, जैसे कि हमने पहले भी एक हैंगिंग पॉट बनाया था। तो पहले हम इसको पॉट से बाहर निकालते हैं। इसके लिए मैं ये एक ओल्ड नाइफ है ये यूज़ करूँगा। इसके चारों तरफ नाइफ से हम इस तरह से सोइल को, इसकी रूट वाल को निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये इसकी रूट वाल है। देखिए रूट्स इसकी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। दोस्तों हम इसकी थोड़ी सी जो ओल्ड सोइल है, यानी कि जो पुरानी मिट्टी है, वो हटा देंगे ताकि जो नया सोइल इसको मिल सके। तो साइडों की थोड़ी थोड़ी मिट्टी हम हटा देंगे। ओके दोस्तों, इसकी जो रूट्स है ये हम पुन कर देते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये इसके बल्ब हैं, इनसे हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं।
ओके दोस्तों, तो अब ये प्लांट रेडी है पॉट करने के लिए। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ये प्लांट है ये बोनसाई में जो पेंजिंग वगैरह बनाते हैं उसमें यूज़ होता है, तो इसको हम ऐसे बोनसाई ग्रो कर सकते हैं जिसके अंदर पत्थर वगैरह लगाकर और उसके अंदर इसको हम ग्रो कर सकते हैं। ये नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, थोड़ा सा इसको और मैच्योर हो जाने देते हैं, जो इसकी रूट बाल है इसको और अच्छा मजबूत होने देते हैं। पॉट के नीचे मैं एक कोको कोर लगा दूंगा, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद इसके अंदर हम सॉइल डालेंगे। दोस्तों मैं जो ये सॉइल यूज़ कर रहा हूँ ये मेरे गार्डन का सॉइल है और इसके अंदर मैंने गोबर खाद मिला रखा है। ओके दोस्तों, तो थोड़ा सा हम सॉइल इसके अंदर ऐड कर देते हैं। पहले दोस्तों इसके अंदर हमें इतना सॉइल ऐड करना है ताकि जो इसकी रूट बाल है ये सॉइल पे टिके। ओके दोस्तों ये ठीक है, अब हम इसको हल्का सा प्रेस कर देते हैं। थोड़ा सा मैं स्पून की सहायता से साइडों में इसको अच्छे से फील करूँगा। थोड़ा थोड़ा सॉइल हम इसके चारों तरफ डाल देंगे। दोस्तों प्लांट हमने पॉट कर दिया है, अब हम इसको हैंग कर देंगे। ओके दोस्तों प्लांट हमने पॉट कर दिया है, अब हम इसको हैंग कर सकते हैं। दोस्तों हम इसको नॉर्मल पॉट के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। ओके दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।